सो गाइस, इस मैजिक ट्रिक को करने के लिए कोई थ्रेड, कोई मैग्नेट, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल रबर बैंड जो साइज में थोड़ा सा बड़ा हो, और एक रिंग चाहिए। कोई भी आप रिंग यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना जो पूरी गोल हो वो यूज करो। ये भी पूरी गोल नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमम साइज में डिजाइन है, तो मैं यही यूज किया। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक रबड़ बैंड चाहिए। क्या करना है, इसको रिंग को रबड़ बैंड में रखना है सिर्फ ऊपर की साइड, ठीक है, और यहां से बिल्कुल स्ट्रेच कर लेना है, ठीक है, और हल्का हल्का रिलीज कर देना है इसे। अब आपने बिल्कुल स्ट्रेच कर रखा है और एक्स्ट्रा पार्ट आपके हाथ के नीचे ऐसे हाइड हो रखा है ये, ठीक है। ये सामने के व्यू से नहीं दिखता बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। और आपको ये राइट राइट थंब दिख रहा है, यहाँ राइट और ये फर्स्ट फिंगर के बीच में मैंने इसको पिंच कर रखा है, और इसको आप हल्का सा ऐसे ऊपर की साइड भी कर सकते हो, ताकि लोगों को यह ना लगे कि वो अपने आप ग्रेविटी की वजह से ऊपर नीचे जा रहा है। हल्का सा ऊपर भी कर सकते हो, और यहां से हल्का हल्का रिलीज करना है बिल्कुल धीरे धीरे, तो ऐसे लगेगा जैसे रिंग अपने आप ऊपर ट्रेवल कर रही है। आपको सिर्फ हल्का हल्का धीरे धीरे रिलीज करना है। अगर आप ये भी कह सकते हो स्पेक्टेटर को कि आप कहीं पे भी स्टॉप बोलोगे, आपको बस टाइट करना है वहीं पे, और ये वहीं रुक जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे रिलीज करना है, और ये रिंग ऊपर ऐसे लगेगा अपने आप ऊपर जा रही है। ये बहुत ही कूल और सिंपल ट्रिक है, और सिर्फ आपको एक रबड़ बैंड चाहिए और रिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर रखा, इसको पूरा स्ट्रेच किया, इसको नीचे ले आए। अब यहाँ से धीरे धीरे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, और इसको धीरे धीरे रिलीज करना है, यहाँ से राइट हैंड से धीरे धीरे रिलीज करना है, और ऐसा लगेगा जैसे ये अपने आप ऊपर ट्रेवल कर रही है। आप इसको हल्का सा ऊपर टेढ़ा भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही कूल ट्रिक है, और मैंने बहुत लोगों को दिखाई है, सबको पसंद आती है। अगर आपको भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए।